आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर के साथ हुआ जल मिशन योजना भूमि पूजन का कार्यक्रम। बड़वाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक सचिन बिरला, नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता, उपाध्यक्ष राजेश जायसवाल ने शासकीय अस्पताल में रक्तदान शिविर में शिरकत की और रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की और दूसरों की प्राण रक्षा के लिए रक्तदान की भूरी भूरी प्रशंसा की। रक्तदान शिविर में नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता और भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह तोमर ने रक्तदान किया। सांसद ने कहा, अपना रक्त देकर दूसरों के प्राण बचाना बड़े पुण्य का कार्य है। नगरपालिका अध्यक्ष गुप्ता ने शासकीय अस्पताल में ब्लड बैंक की आवश्यकता बताते हुए कहा कि बड़वाह में ब्लड बैंक स्थापित होने से गंभीर घायलों और रोगियों की प्राण रक्षा हो सकेगी। सांसद और विधायक ने कहा कि ब्लड बैंक की स्थापना के लिए उच्च स्तरीय प्रयास किए जा रहे हैं। ब्लड बैंक की आवश्यकता के बारे में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को अवगत कराया गया। मंडी में हुआ हितग्राही हित लाभ स्वीकृति वितरण का आयोजन। इसके पश्चात जनप्रतिनिधियों ने अनाज मंडी में हितग्राही हितलाभ स्वीकृति वितरण कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और कार्यक्रम के अंत में नेताओं द्वारा मंडी परिसर में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री माहिम ठाकुर, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश साद, जनपद उपाध्यक्ष वीरेंद्र माले, लक्ष्मण काग, रमेश बिरला, रवि अरन, रोमेश विजयवर्गीय, यश चौरसिया, स्वाति वर्मा, सुरभि वर्मा, अनोक चंद मडलोई, दिलीप पटेल सहित बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित थे। विश्वकर्मा जयंती के कार्यक्रम में लिया सांसद एवं विधायक ने भाग। शाम 4:30 बजे सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक सचिन बिरला ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर जयमलपुरा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर भगवान विश्वकर्मा का पूजन अर्चन किया। वो विश्वकर्मा समाज के सामुदायिक भवन के लिए सांसद पाटिल ने 2 लाख और विधायक बिरला ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं नगरपालिका उपाध्यक्ष राजेश जायसवाल ने विश्वकर्मा समाज के बच्चों को प्रातः उठकर माता पिता के चरण स्पर्श करने की प्रेरणा दी। विधायक और सांसद ने इन श्रवण कुमारों के प्रोत्साहन हेतु 5,000 रुपए देने की भी घोषणा की। सिरलाए पीएचई में 378 लाख की जल जीवन मिशन योजना का हुआ भूमि पूजन। शाम 5 बजे सांसद और विधायक ने ग्राम सिरलाए में स्थित पीएचई कार्यालय में 378 लाख रुपए की लागत से होने वाले जल जीवन मिशन के तहत नल जल प्रदाय योजना का भूमि पूजन किया। बड़वाहा से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट। मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार के द्वारा जो मूलभूत योजनाएं गरीबों के लिए चलाई जाती है, वो 35 योजनाओं का लाभ यहाँ के हितग्राही को दिया गया है, उसी के संबंध में कार्यक्रम था और सब लोग आज खुशियाँ मना रहे हैं कि हमारे देश के महान प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिवस है। अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम है, कोई वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहा है, तो कोई रक्तदान का कार्यक्रम कर रहा है, तो कोई योजनाओं के माध्यम से जो लोगों को लाभ मिल रहा है उसका कार्यक्रम कर रहा है। ऐसे कार्यक्रम पूरे देश भर के अंदर आज हो रहे हैं। लगभग एक सौ इक्यावन लोगों को आज जिनको लाभ मिला है, ऐसे हितग्राहियों को उनका प्रमाण पत्र दिया गया है। आज हमारे देश ने विश्व के जननायक लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जन्मदिवस हम सब लोग मना रहे हैं और उनके जन्मदिवस के अवसर पर सेवा संकल्प का जो हमने पखवाड़ा बना रहे हैं उसी कार्यक्रम के तहत युवा मोर्चे को जिम्मेदारी दी गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करें, पौधारोपण करें और उसी कार्यक्रम के तहत आज 151 कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर अपना रक्तदान किया है। और भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अभी और सूची है, और भी लोग देने के लिए तैयार है। तो रक्तदान का कितना अधिक महत्व होता है, जिसके लिए रक्त की जरूरत पड़ती है वो अच्छी तरह समझ सकता है। तो मैं क्योंकि एक हमारे रक्तदान के बाद किसी की जिंदगी बचती है, किसी को कोई एक्सीडेंट होता है, किसी को कोई हमारी डिलीवरी के समय किसी माताओं बहनों को जरूरत पड़ती है तो उस समय भटकना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति न बने इसके लिए अधिक से अधिक लोगों ने रक्तदान करना चाहिए। और ये रक्तदान ही एक बड़ा सेवा का कार्य है, उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बच सकती है। तो ऐसे सब युवाओं ने आगे आकर रक्तदान करना चाहिए और सब लोगों से यही निवेदन करते हैं। आज पूरे देश के अंदर मोदी जी के लिए लोग आशीर्वाद मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं,
प्रार्थना कर रहे हैं कि मोदी जी शताई हो और मोदी जी हमारे देश को 25-30 वर्षों तक लगातार नेतृत्व करते रहे ताकि हम सब लोग देश के विकास में भी सहभागी बनी रहे और सब सुरक्षित रहे। कहा गया हाँ, उनकी तरह द्वारा प्रस्ताव आया है। मैं और विधायक हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा करेंगे और यहाँ पर ब्लड बैंक बने इसके लिए हम हमारे तरफ से प्रयास